बीएसएनएल कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल देश की तरह सोलन में भी जारी रही। बीएसएनएल कर्मचारियों ने हड़ताल के दूसरे दिन दुगने जोश के साथ अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर बीएसएनएल दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को सरकार से पूरा करवाने की मांग की। ऑल यूनियन और एसोसिएशन के बैनर तले बीएसएनएल के सभी कर्मचारी दूरसंचार विभाग भारत सरकार की बीएसएनएल विरोधी नीतियों के विरोध में 3 दिवसीय हड़ताल पर है। पेंशन संशोधन को वेतन संशोधन से न जोड़ना और बीएसएनएल को तोड़कर अलग मोबाइल कंपनी बनाने के विरोध में इस 3 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीएसएनएल के कर्मचारी बढ़ चढ़कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हड़ताल पर है। मुख्य लेखा अधिकारी सोलन बाबूराम ने बताया कि ये हड़ताल बीएसएनएल के अस्तित्व को बचाने के लिए की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी 8 मांगे हैं, जिनमें बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम से जोड़ना और कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विभिन्न लाभ देना है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो उनका आंदोलन उग्र हो सकता है। मुख्य डिमांड हमारी है 4G स्पेक्ट्रम, जो गवर्नमेंट जो है हमें अलॉट नहीं कर रही है बीएसएनएल को, और दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा जो कर्मचारियों का रहता है वो है पे स्केल्स, थर्ड पीआरसी अभी तक हमें नहीं मिला, जो कि 1/1/2017 से ड्यू है, तो गवर्नमेंट इसे आगे से आगे खींचती ले जा रही है। और इसके साथ हमारा दूसरा है जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरल बेनिफिट है हमारे कर्मचारी बहुत दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देते हैं, तो उनके लिए अगर स्केल या दूसरी चीज़ें नहीं मिलेगी तो उनसे काम कैसे करवाएंगे। और हमारा जो है मेन मोटिव जो है बीएसएनएल का सेवा देना है, इसका कोई जो सरकार जो इसको जो रेवेन्यू के साथ जोड़ रही है या राजस्व के साथ जोड़ना जो सरकार का ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी जो हमारी जो स्ट्राइक का जो प्रोग्राम था अभी पूरे भारतवर्ष में 18, 19, 20 3 दिनों के लिए रखा गया है। इसके बाद जैसे भी आगे की जो है हमें निर्देश जो है मुख्यालय से प्राप्त होंगे, हम उसके बाद जो है अगला कार्यक्रम जो है अपना सोलन एसएफ से। सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।